अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये मेम्ब्रान, ये देखिए ये मेम्ब्रान है और ये ख़राब पड़ा हुआ और पुराना मेम्ब्रान है, इसको कैसे क्लीनिंग करेंगे। और इसमें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि जो आज तक कोई मेम्ब्रान क्लीन करने वाला ने नहीं बताया होगा, जो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये देखिए आपके सामने मैं इसको खोल रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये खोल दिया दोस्तों, ये खोल दिया, ये रबड़ को निकाल दिया, ये देखिए। उसके बाद अब हम यहाँ से इसको निकाल दिया हमने, देख सकते हैं दोस्तों इसमें खराबी क्या होता है। ये देखिए, इसको बहुत आराम आराम से स्लोली निकालना है दोस्तों। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये पीला पीला सा जो नजर आ रहा है, ये इस पर जम जाने की वजह से अंदर पानी पास नहीं करता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो काला काला बैठा हुआ है, इसको तो सफाई करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा आप जो देख रहे हैं एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों, ये जो पेपर है ये यहाँ पर चिपकाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चिपकाया हुआ है, ये पूरा चिपकाया हुआ है, ये चारों तरफ से ये चिपकाया हुआ किनारी में। और ये पानी को कैसे TDS ख़त्म करता है और कैसे इसको प्योरीफाई करके और मिनरल वाटर कैसे देता है, ये जो पेपर है दोस्तों, इसमें बहुत ही बारीक 0 माइक्रोन 2-3 के बराबर छिद्र होते हैं जो कि ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। और इसके अंदर से पानी में जब प्रेशर पंप जो प्रेशर देता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों तरफ से हाउजिंग के अंदर, मेम्ब्रेन हाउजिंग के अंदर, तो उस प्रेशर की वजह से पानी इस पर दबाव बनाता है। पानी दबाव बनने से जो प्योर पानी होता है, जो मिनरल वाटर होता है, वो वाटर इसमें से छनता है। ये देखो ये दो परत हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इसमें ये दो परत हैं, ये दो पेपर हैं, इन दोनों पेपरों के बीच में ये ट्यूब जैसा बना हुआ है। यहाँ से जो जब पानी का पंप का दबाव पड़ता है पानी के ऊपर, तो पानी इसके अंदर जाता है और जा करके इन दोनों पेपरों का, आप देख रहे हैं ये दोनों पेपरों के बीच में पानी इस ट्यूब में चला जाता है, और वहाँ से इसके थ्रू दोस्तों, ये देखो इसके थ्रू जो है, यहाँ सुराख है, आप देख सकते हैं इधर सुराख है और एक इधर सुराख है ये, लेकिन ये बीच में यहाँ पर बंद है, इधर से आधा इधर डिवाइड है, आधा इधर डिवाइड है, ये इधर से पानी जाता है लेकिन वो पानी अंदर कुछ नहीं करता है, पर इधर से जो पानी निकल के आता है यहाँ से, इस सुराख से जो इस मेम्ब्रेन में से छन जाता है पानी, और छनने के बाद फिर इस सुराख से आउटलेट करता है, उसका फ्लो इधर से आता है और वही पानी पीने के लायक होता है, बाकी वेस्टेज हो जाता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, ये देखिए ये जैसा फूल गया, अभी आप देख रहे हैं ये ट्यूब फूल गया, तो आप कभी भी जब मेम्ब्रेन की सफाई करें तो इसको, ये जब फूल है तो आप कभी भी गलती से भी इसमें सुई के नोक के बराबर भी कहीं से सुराख न करें और ना ही इसको फाड़ने की कोशिश करें, वरना ये मेम्ब्रेन ख़राब हो जाएगी, ये काम करना बंद कर देगी। तो दोस्तों इस तरह से ये मेम्ब्रेन काम करता है, ये देखो दोस्तों ये इस तरह से काम करता है। अब इसकी हमने सफाई करनी है, ये देखिए ये होता क्या है, इसमें जो बहुत बारीक जो 0 माइक्रोन 2-3 का जो छिद्र है, वो उस पर आके ये परत जो हमारे पानी के अंदर आयली पानी या नमक पानी होता है, वो नमक पानी आकर के इस पर बैठ जाता है और इसके छिद्रों को बंद कर देता है, इसी वजह से ये मेम्ब्रेन काम करना छोड़ देता है, हम कहते हैं मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है। तो दोस्तों यही छिद्र अगर हम साफ़ कर देते हैं बहुत बारीक, ये देखिए इसमें सर्फ है, जो कपड़ा धोते हैं वही सर्फ है, इसको हमने डाल कर कपड़े से इसमें इसको देखिए सफाई करेंगे। ये जो ऊपर का ये जितने छिद्र, इसमें बारीक बारीक बहुत सारे छिद्र हैं, ये छिद्र जब साफ़ हो जाएंगे, ये होल सारे साफ हो जाएंगे, तो ये मेम्ब्रेन फिर से काम करने लगेगी दोस्तों। तो जो मुझे बताना था
एक ट्रिक ऐसा जो आज तक किसी मेंबरन वाले ने नहीं बताया दोस्तों, वो यही है कि ये साइड से ये देखिए, ये जो जो यहाँ पर ये पैक किया हुआ है, बिल्कुल सील्ड किया हुआ है, ये इधर से भी सील्ड है, इधर से भी सील्ड है, यहाँ से भी, आगे से भी सील्ड है, यहाँ से भी सील्ड है। इसमें से ये कहीं से भी आपको ये सफाई करते वक्त ये पेपर फट न जाए, अगर पेपर फट गया तो मेम्ब्रान का मतलब ख़त्म हो जाएगा, मेम्ब्रान काम करना छोड़ देगा। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें आप, और ऐसे सफाई करने के बाद में इसको हम पलट के भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, एक बार ऐसे पलट के भी, ये देखिए दोस्तों, इसको एक बार हम पलट के भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये गलती से भी यहाँ पर ये कहीं से भी फटना नहीं चाहिए, सुई के नोक के बराबर भी इसमें फटना नहीं चाहिए, वरना ये मेम्ब्रेन बेकार हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पूरा सील्ड है इधर से और इधर से, पानी का दबाव जब बनता है तो इस ट्यूब के अंदर पानी जा करके और फिर यहाँ से आउटपुट पानी करता है, इस तरह से मेम्ब्रेन काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं थोड़ा देर के लिए स्किप करता हूँ, और इसकी सफाई करने के बाद आपको गाइज ये देख सकते हैं आप, कि देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया ये, ऐसे रगड़ रगड़ के थोड़ी देर में ना, ये क्योंकि काफ़ी दिन से, कई सालों से ये पड़ा हुआ था, और इसको आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया, देखिए कैसे धब्बे धब्बे जो पड़े हुए थे वो सारे धब्बे साफ़ हो गए। इसी तरह दोस्तों इसको बिल्कुल क्लीन करके, और इसको पलट के भी दूसरी तरफ से भी हम क्लीन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन हो गया, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसको हम ऐसे पलट के दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको ऐसे हम पलट लेंगे, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अभी घर का भी हमने सफाई करना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जो फूल रहा है ना, इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, वरना ये अगर कहीं से भी फट गया ना, ये मेम्ब्रेन ख़राब हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों इसमें सारा कमाल ये पेपर का है, ये पेपर बहुत ही उच्च क्वालिटी का पेपर होता है, हाई क्वालिटी का पेपर होता है, जिसकी वजह से ये इतना टिकाऊ होता है। दोस्तों इसके ऊपर इसका मेम्ब्रेन का दुश्मन ऑयल है, ऑयली पानी ज़रा भी अगर एक दो बूंद भी इसमें चला गया तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है इसको, और मेम्ब्रेन को जल्दी ख़राब कर देता है। नमक से फिर भी झड़ जाता है, लेकिन ये ऑयली पानी जल्दी निकलता नहीं है। दोस्तों इसी तरह इसको हम देखिए रगड़ रगड़ के सफाई करेंगे, बस ये ख्याल रखेंगे कि ये इधर किनारे में ये फटे नहीं, बस आप इसका एक ख्याल रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कैसे साफ़ होता जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखिए, बिल्कुल चिकना हो गया, इसको रगड़ रगड़ के ऐसे साफ़ करेंगे दोस्तों। ये देखिए देखिए दोस्तों ये कैसे साफ हो रहा भाई, आप ये देख करके आपके घर में भी आरओ का मेम्ब्रेन जल्दी जल्दी ख़राब होता होगा, इसे आप देख करके बिल्कुल सही कर सकते हैं आप। दोस्तों ये हमारा हो गया ये क्लीन, अब देखिए इसको हम कैसे लपेटेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, ये देखिए ऐसे आराम आराम से लेके चलेंगे, आराम आराम से लेकर के चलेंगे। ये देखिए ये देखिए दोस्तों,
इसको बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करेंगे फ्रेश दोस्तों, नहीं तो ये होगा क्या, ये फूल जाएगा, इसमें जो हवा घुस गया है ये फूल जाएगा। इसको बहुत ही देखिए हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं ये करेंगे। और इसको हम ये देखिए देखिए यहाँ बीच में फूल गया है, अब इसको हम हल्का हल्का ऐसे ये देखिए ये हवा को हम इस तरफ को प्रेस कर लेंगे, नहीं तो लास्ट में जा करके फट जाएगा, ये पेपर फटने का खतरा है। ये जाली जो है देखिए फूल गया ना यहाँ पे, अब इसको हम जोर लगाएंगे तो ये फट जाएगा दोस्तों, तो इसमें से एयर एयर निकलने दीजिए। तो देखिए हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे, हल्का हल्का ये हवा इधर को आ जाएगी। दोस्तों इसके अंदर जो ये एयर है ये देखिए नहीं हो रहा है ना, इसको निकालने का एक और तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या करना होगा देखिए, इस तरफ से नहीं बल्कि इस तरफ से हम हवा को खींचेंगे अपनी तरफ। देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों हवा खींचने की वजह से जो अंदर का हवा था वो निकल गया, इस तरफ से खींचा जाएगा हवा। ये देखिए दोस्तों ये अब हो गया, ये देखिए हवा खींच लेने से ये देखिए बिल्कुल ये फिट हो गया। इसमें हवा खींचने के देखिए हवा भर जाए और ना निकले, वो दबाने से तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप जब यहाँ मुंह लगा करके यहाँ से खींचेंगे अपनी तरफ तो हवा निकल जाएगी। देखिए मेम्ब्रेन फिट हो गई एकदम बिल्कुल, ये अब ये बराबर आ गया। अब आप देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ये देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा टाइट कर लेंगे, ये टाइट हो गया, ये देखिए ये टाइट हो गया। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मेम्ब्रेन फिट हो गया, अब हम इसमें थोड़ा टेप लगा देंगे।
ये देखिए दोस्तों, अब ये मेम्ब्रेन तैयार हो, दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने एक और इसमें क्लीन किया हुआ है, एक और डाला हुआ है और इसको भी मैंने ऐसे ही क्लीन किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों मेम्ब्रेनों को क्लीन किया हुआ है। अब ये देखिए मैं इसी को डाल लेता हूँ, इसको भी बाद में चेक कर लेंगे। ये टाइट कर लिया दोस्तों,